श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। नीलाद्रिकंदरानंदी मंदरालय वंदितम् वंदे वंदारु मंदारम् इंदिरा मंदिरं मोहो इंदिरा मंदिरं मोहो। परम कारुणिका करुणा वरुणालय भक्त वंचा कल्पतरु वनाथस्य नाथ जगन्नाथं कपद कमल तले यदमर अनंत कोटि प्रणाम मणिमा अनंत कोटि प्रणाम। जनंको विष्णु प्रयमणे नमई तहंक चरणे तुंडे बोलई हरि हरि भो जगन्नाथ दैतरि। दिव्यात्मन दर्शन करुछन्ति महाप्रभुंकर से अपूर्व क्षेत्रर दृश्य आपण माने दर्शन करुछन्ति। जो क्षेत्र को मर्त्य वैकुंठ बोली कहा जाय थाए तहा आपण अनुभव करुछन्ति। कहिवार कथा नुह सुनिबार कथा भी नुह ये आपण जहा देखुछन्ति से देखिवार दृश्य जहा अवलोकन करुछन्ति। जो कथा को आपण माने श्रवण करुथिले पापर फल जो मोर बड़ भाई पंडित श्री भजराम सतपथि महोदयंकर मुखार बिंदरु पाप करिथिले फल निश्चित भावरे प्राप्ति हुए। ये बड़ देवुलर दृश्य आपण माने देखुछन्ति। दक्षिण द्वार अपूर्व शोभा सहित सेठारु महाप्रभुंकर से नीलचक्र उपरे उड़ुथिबा नेतर दृश्य नीलचक्र उपरे हलदिया रंगर बाना मेघनाद प्राचीरर अपूर्व दृश्य आपण माने दर्शन करुछन्ति। वेढ़ा परिक्रमार समस्ते किपरि भावरे महाप्रभुंकर बाहर वेढ़ा अर्थात मेघनाद प्राचीर को संपूर्ण भावरे परिक्रमा करुछन्ति। बुलुछन्ति महाप्रभु को किए दर्शन करि सारी फेरुछन्ति त के दर्शन करिबा पाई मध्य अपेक्षारत अपेक्षा करिछन्ति महाप्रभुंकर से दर्शन प्राप्ति करिबा पाई। कोटि कैवल्य नाथ जगन्नाथ तंकर ये क्षेत्रर स्वतंत्रता आपण माने दर्शन करुछन्ति। अनेक प्रकारर पुष्प अनेक प्रकार वृक्षर दर्शन श्री पुरुषोत्तम क्षेत्रर तीर्थराज महोदधि ये तीर्थराज महोदधिंकर कथा जितेबले आज्ञा आसे मार्कंडेय वटकृष्णे रोहिणीं च महोदधौ इंद्रदुम्न शिरे शैव पंचतीर्थे वरथि स्मृतः। सेवलि भागवत अनुसारे सकल तीर्थ तो चरण बद्रिका जीवी की कारणे सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी की कारण। सेवलि भावर मध्य भागवतर आउ गोटे कथा आसीथाए सकल तीर्थ घेनी हरी नीलकंदरे विजे करी सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी की कारणे। महाप्रभुंकर जो तीर्थ र दर्शन अनेक प्रकार रंग बेरंगीर जो पत्रर पुष्प आवता सहित वृक्ष मानंकु आपण देखुचंती केउ वृक्षरे फूल फुटिले शोभा पाई थाए केउ वृक्ष को खाली देखी देले मध्य शोभार अपूर्व आनंद लाभ होई थाए। से वृक्ष मानंकर राजिरे श्री मंदिरर चतुर्पार्श्वर शोभा द्विगुणित हेउछि तहा मध्य आपण माने अनुभव करुछंती। जेते बले कथा आसी थाए
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ମୋହୋଦ ଧୀର ସେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଦ ସଂହିତା ବ୍ରହ୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଦିରେ ତୀର୍ଥ ଶବ୍ଦ ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ଉପଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ତୀର୍ଥମାନଙ୍କର ତିନି ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାବର ତୀର୍ଥ ଯା ପୁରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଦି ପୁରୀ। ଆହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ନାରୀଲଙ୍ଗର ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ଦେଉଳର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ପତିତ ପାବନ ବାନାର ଆଉ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ। କୁହାଯାଇଛି ସ୍ଥାବର ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀ କାଶୀ କାଞ୍ଚି ଅବନ୍ତିକା ପୁରୀ ପୁରୀ ଦ୍ୱାରାବତୀ ଶୈବ ସପ୍ତେତି ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିକା। ତାପରେ ଜଙ୍ଘମ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି ସେଭଳି ମାନସ କ୍ଷମା ଦୟା ସତ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀକୁ ମହୋଦଧିର କଥା ଆସିଥାଏ, ମହାନ ଉଦ୍ଧତିଜସ୍ୟ ମହୋଦଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାତ୍ରା ହିଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ନୃସଙ୍ଗ ମହା କୁହାଗଲା। ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୁଷ ଯାତ୍ରା ହିଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାନୁଷଙ୍ଗ ମହା ସଭ୍ୟଭି ସମା ଶୀତୋ ଭୂ ଭୂମି ଭାଗସ୍ତୋୟତେ ସର୍ବେଷାମପି କ୍ଷେତ୍ରାଣାମ ରାଜଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ସର୍ବେଷାମପି ଦେବାନାମ ରାଜଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମା ସବୁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଏ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଆସି ଯାଇଥାଏ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ଲୋକନାଥ ଶିବ ଯସ୍ୟ ତୀର୍ଥଯସ୍ୟ ମହୋଦଧି ବିମଳା ଭୈରବୀ ଯତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥସ୍ତୁ ଭୈରବ। ଏ ନ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ନୁହଁ, ତୀର୍ଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ତୀର୍ଥର ମହାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଥିତ ହୋଇଛି। ମହୋଦଧିର ତୀର୍ଥ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆସେ ପୁରାଣ ମତରେ କେବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ମହୋଦଧି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ସେ ମହୋଦଧି ଯାହା କଥା ଆସିଥାଏ ମହୋଦଧିର କଥା, ଏ ମହୋଦଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ କହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା ରହିଛି ତା ଭିତରେ। ଉଦାକିନି ନିଧୟନ୍ତେତ୍ର ଇତି ହି ଉଦଧି, ଉଦଧି ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉଦାକି ଉଦାକାନି ଧିୟନ୍ତେ ୟତ୍ର ଇତି ହି ଉଦଧି, କର୍ମାଧିକରଣ ସମାନ ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅମରକୋଷରେ ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ପନ୍ଦର ଗୋଟି ମର୍ଯ୍ୟାଦାବାଚୀ ପର୍ଯ୍ୟାବାଚୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଥିରେ ମହୋଦଧି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାରଦୀୟ ପୁରାଣର ପୁରାଣରେ ସମୁଦ୍ର ଆଠ ଗୋଟି ନାମ ରହିଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଉଦଧି ସମୁଦ୍ର ତୀର୍ଥରାଜ ଲବଣ ଉଦଧି ସାଗର ମହାସିନ୍ଧୁ ସରା ଶିରତପତି ସାଗର ସିନ୍ଧୁ ସାଗର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନରେ ମହା ଶବ୍ଦଟି ବିଶେଷ ହୋଇ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ମନେ ହୁଏ। ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଦୀପ ମହାବାହୁ ମହାପ୍ରସାଦ, ସେହିପରି ମହାଯୁକ୍ତ ଉଦଧି ମହୋଦଧି। ଆହା ଅପୂର୍ବ ରୂପ
लावण्यरे आपण महादेवींकर दर्शन करुछंति एठारे विमलाई विराजमान करिछंति जेपरि भावरे आपण माने दर्शन करुछंति ये किए काकुड़ी खाइंकर दर्शन करुछंति ध्यायेत सुवर्ण वर्णाभाम त्रिनेत्रमु चारुहासिनी सर्वलक्षण संपर्णा मर्धिंदो कृतशेखराम तंकर दर्शन आपण माने करुथिले घोड़ लागे ही विराजमान करिछंति पुनर्वार से ही पतित पावनंकर दर्शन सिति पाई कहा जाइछि महाप्रभुंकर स्वतंत्र भावर सहित संपर्क एक भरसा संपर्क एक कण ना भरसा ये नुहे दुहिंकर बंधु होई थांती संपर्क रख कि न रख किंतु भरसा निश्चय रखंतु कहीं जोठी भरसा थाए से संपर्क आपे आपे गढ़ी हो जाए थाए संपर्क महत्व रही से महान महाजक्त उदादि ये दुईटी संपर्क जिते बड़े निविड़ होहा मोहोदधीर परिणत करा जाए थी तीर्थराज हिसाब से नि नारदीय पुराण रे 52 रु 60 मतरे प्राचीन पौराणिक काल रे मेरुरु सुमेरु पर्वतर कांचन श्रृंगरे माता श्रीदेवी जगत स्रष्टा जगन्नाथ को जो स्थान टी श्रेष्ठ स्थान बोली पचारी थिले उत्तर रे महाप्रभु पुरुषोत्तम क्षेत्र बोली कही तंकु चिन्हट करिबार पाई कही थिले दक्षिण उदधि शब्द प्रयोग करिछंति सेई वर्णना दक्षिण उदधि ही मोहोदधि बोली जना जाए मोहोदधि रे स्नान तापरे श्री पुरुषोत्तम को दर्शन करणीय बोली उल्लेख करा जाइछि महादधि मोहोदधि ही तीर्थराज इ कोठारे प्रमाण इवली कही देले कौन है जीव प्रमाण दरकार ना नहीं प्रमाण कौन रही बिना प्रमाण रे तो किछि हेब नाही ना प्रमाण निश्चित भाव रे दरकार रही प्रमाण केहूं ठारे रही ये दक्षिण उदधि तटे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र अवस्थित दक्षिण उदधि तटे श्री पुरुषोत्तम दक्षिण उदधि तटे श्री पुरुषोत्तम दक्षिण उदधि अर्थात मोहोदधि जाहु कथा प्रमाण आसी थाए ब्रह्मांड मध्ये जम्बुदीप नवखंडर ए संक्षेप नवखंड एक करा जाइछि भारत वर्ष मध्यरे आज्यवर्त बा आचार्य वर्ग माने जेउठारे वार्ष करंती संपूर्ण भाव रे कुहा गला आर्यावर्त नाम रे विस्तार रे उत्कल नामक देश आर्यावर्त रो अग्नि कोण रे जहा भारत रो अग्नि कोण रे दक्षिण उदधि तट जाकु कुहा गला दक्षिण उदधि तट समुद्र उत्तर प्रकट नाम जा पुरुषोत्तम सकल क्षेत्रे जहूं जन्म सकल क्षेत्र रे तहूं जन्म सेतिपाई कहा गला दक्षिण मोहोदधि तट समुद्र उत्तरे प्रकट नाम जा पुरुषोत्तम सकल क्षेत्रे तही जन्म सेतिपाई कहा गला मोहोदधि मध्य मोहोदधि रे अन्य नाम तीर्थराज से तीर्थराज मोहोदधि कथा जते बले आज्ञा से भारतर विशिष्ट साधिका विद्वसी मोहिंकर प्रश्न मानंकर देखिबा को गले उत्तरर जेपरि भाव रे उत्तर रे तंकर स्वामी महात्मा बसु मोहोदधि रे स्नान दान पिंड दान श्री पुरुषोत्तमंकर दर्शन विधि प्रकाश कराय जाइछि पुष्कर आदि विभिन्न क्षेत्र रे स्नान कले सही क्षेत्र रे फल मिले
मात्र महोदधि जहाँ कहा जाए तीर्थराज समुद्र स्नान कले समस्त तीर्थर फल मिली था कारण भूलोक समस्त नदी गुड़िक सगर से ही मिशिथापी से श्रेष्ठ बोली नारदीय पुराण रे उल्लेख करा जाए थी। श्रीमद भगवत गीता रे आपण देखंतु यथा नदीनाम बहवंबु वेगा समुद्रमीवाभिमुखा द्रवंती कहगला यथा नदीनाम ये नदी मान वहन हुई समुद्र आड़कू गमन करिथंती शिवली भाव रे नारदीय पुराण कहगला तीर्थराज मुहूर्त दिना राजा समस्त तीर्थानाम राजा समस्त तीर्थानाम सागर सरितापति ही तस्माद समस्त तीर्थेभ्य श्रेष्ठ सो सर्वकामदः सूर्य उदय हेले जेपरी अंधकार नाश करे सेहीपरी कोटिए संख्यक तीर्थ थिले मध्य मोहोदधि समस्त पाप नाशकारी तीर्थराज बोली कह जाइछि तीर्थराज बोली तेणु सेठारे स्नान दान होम जप देवता अर्चना दिकले ता अक्षय बोली प्रसिद्ध अछि। वामदेव संगीता ग्रंथ अनुसारे दुई कोश बा चारि माइल जाकु कहा जाइछि विशिष्ट त्रिकोण भूभागरे सागर रे क्षेत्र सीमा चारि माइल व्याप रहिथिबार सागर होइछि तीर्थराज महोदधि। शुणु वैष्णव क्षेत्रस्य चायतम कोश पंचकम दिकोश सागरे व्यापी स्यात्रिकोण पृथ्वी तले सर्वक्षे पुण्य निहतो पुण्य च सर्वत्र समुद्रगा समुद्रश्च सर्वे पुण्य समन्ततः न्याय समुद्रान पुण्यायाम समुद्रास्त विशेषतः कुर्म पुराण रे कुहागला ई आधार रे ई तीर्थराज बुली कुहा जाय थाय पुराण रे समुद्र रो समुद्र क्यों क्यों स्थान रे तीर्थराज कुहा जाय छि ताहर मध्य प्रमाण दरकार प्रमाण समस्तंकर निश्चित भाव रे जानिबा दरकार। स्कंद पुराण मतरे श्री उवाच अर्थात महालक्ष्मी कहुचंती को ऋषि कहुनांती को मुनि कहुनांती आज्ञा स्वयं महाप्रभुंकर त्रिभुवन ईशा प्रभुंक मानस प्रभुंकर जे मानस बामांगी हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्णम रजतस्रजाम शांतानी कहुचंती श्री उवाच पंचकोशमिदं क्षेत्रम समुद्रांता व्यवस्थितम दिकोश तीर्थराजस्य तटभूमम सुनिर्मलम जहाँ महालक्ष्मी कहुचंती आया महा मा महालक्ष्मी श्री जमराजंकु एक क्षेत्र वर्णना प्रसंगरे कहिले यहा परिसीमा पंचकोश एवं यहा समुद्र पर्यंत परिव्याप्त तहा मध्य रे तीर्थराज समुद्र तटभूमि ठारु दुई कोश परिस्थित स्थान जा अत्यंत निर्मल स्थान सेठारे साक्षात नारायणंकर तम विश्वेश्वर देवदेव महादेव सकल इंद्रिय संयम पूर्वक चतुर्वर्ग फल प्रदान श्री जगन्नाथ को उपासना करुच करिबा निमित्त समुद्र तट को आश्रय करी रहिछंती तंकर नाम होछि लोकनाथ। से ही महोदधि ही बाबा जम्बेश्वर मध्य विराजमान करिछंती एथिरु मने हुए पूर्व काल रे समुद्र परिसीमा बाबा जम्बेश्वरंकर पर्यंत अवस्थित थिला जहा कि अद्य संकुचित होई जाइछि तत् संपर्क्यात् समुद्रत्रे राजा राज तीर्थराज समागतः
यथायं भगवान मुक्तिप्रदो दुष्टिपथं गतः सुदुर्लभं त्रयोद्यमेकं मुक्ता साधनं तदेमं मारुतं क्षेत्रं सिंधुस्नाना विनमुक्तये। स्कंद पुराण रे कहागला ये मुक्ति ये क्षेत्र रे ससर्ग रे सुख स्वर्ग को संपूर्ण भाव रे प्राप्ति हुई था। ये क्षेत्र रे ससर्ग रे समुद्र ठारे समस्त तीर्थराज स्वरूप को प्राधान्य लाभ करिछंती। एपरिकि एठारे भगवान दर्शन मात्र रे मुक्ति प्रदान करंती, मुक्ति पाई जानती महाप्रभुंकर दर्शन रे। दर्शनाद भवेत मुक्ति, दर्शन क्षेत्र रे मरण, तीर्थराज समुद्र रे स्नान, तीन गोटी जाक प्रत्यक्ष भाव रे महाप्रभुंकर प्राप्ति होई जाई थाय। तीर्थराज रे स्नान, भगवानंकर दर्शन, ता सहित एठारे मरण। एठारे मरण संपूर्ण भाव रे सेतिपाई ये तीनोटी भक्त तीन गोटी प्राप्ति होई थाय। मुक्ति साधन अत्यंत दुर्लभ जहाँ प्राप्ति होई जाई थाय। लीलाद्री महोदय ग्रंथरे तीर्थराजंकर कथा आसी थाय। संपूर्ण भावरे कथा त्रिकोण आयतन पवित्र श्रीक्षेत्र वा श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र को स्वर्ण करिथिबा जोगु एठारे समुद्र तीर्थराज भावरे अभिहित। यत् क्षेत्रास्पितितं विप्राः समुद्रास्तीर्थ राजस्मतः कोशत्रे पीयते क्षेत्रे श्री पुरुषोत्तम। क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र बोली कहा जाइछि। क्षेत्र राज मध्य औचंती मोहोददी। वामदेव संगीतार तीर्थराज मोहोददी रा परिसीमा जाकु वर्णना कराइछि। बिल्वेश्वर समारभ्य अलाबुकेश्वर विधि शंखाकार महाक्षेत्र सार्धकम कोश विस्तर एवं विस्तोत भावेन जदाम्बो सरितापति मोहोदधीमिति ख्यातम तीर्थराज वनोत्तमम तरंग ताल उत्ताल शोभितं रुद्रसं सुंदरः अर्धचंद्राकृति सिंधो शोघोषावरुणालयं द्वय प्राप्ते द्वय संभो राघवेन प्रतिष्ठितः मध्ये च पावनो तयम् तीर्चक्रतीर्थं परं स्थलं स्वर्गदोरतं स्थानं चक्रतीर्थस्य दक्षिणे पुण्यदेवालयं पुण्यं तापस्रागं वेष्टितम्। इ कथार अर्थ मध्य सेवळी भावरे रहिची। बिल्वेश्वर पीठ ठारु आरंभ करी महाप्रभुंकर लोकनाथंकर पर्यंत अलाबकेश्वर बाबा श्री लोकनाथ मंदिर पर्यंत शंखाकार क्षेत्र परिसीमा मध्य कोश ए विस्तृत भूभागरे सरितापति चक्रराज तीर्थराज महोदय विस्तृत मर्यादा श्री पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्रंकर द्वारा प्रतिष्ठित शैव पीठ द्वय उभय पार्श्वरे विद्यमान। गोटे पार्श्वरे सुप्राचीन बिल्वेश्वर एवं अपर पार्श्वरे श्री लोकनाथ विराजमान करिछंति एवं तीर्थराज महोदधी मध्य भागरे परम पावन चक्रतीर्थ एवं दक्षिण को अन्यतम स्थान स्वर्ग द्वार अवस्थित श्रीक्षेत्र पुण्य लय परिपूर्ण एवं तपस्वी स्थान र आश्रय समूह द्वार प्रविष्ट होइछि। ई हेउछि तीर्थराज महोदधीकर महिमा। तीर्थराज महोदधी पवित्रता अनेक बलिष्ठ मध्य रहिछि उदाहरण। ई मोददीरा ससंग परम पवित्र
लवण सागर रे भगवान विष्णुंकर प्रथम लीला एठारे ही होई छी। कहा जाई छी अवतार मत्स्य रूपे आविर्भाव होई थिले, जो कथा कहा जाई छी अवतार र प्रलय पयोधी सिद्धातु सप्तकेशामुपाख्यव्य स्मृति गण पनिधीता प्रत्यापादे मृतः निधिकृति तज्जो ब्रह्मा सत्यव्रतानां मदक्खिले हेतु जन्मामीनो तस्मितः। प्रलयकालीन समुद्रे जेतेबेले ब्रह्मा सोई जाइथिले तंकर सृष्टि शक्ति लुप्त होई जाइथिला, से समय रे तंकर मुख निस्तृत श्रुति मानंकर अपहरण करी हयग्रीव बदैत्य शंखासुर पाताल को नहीं जाइथिला, सेतेबेले महाप्रभु मध्य अवतार धारण करिथिले मत्स्य अवतार। भगवानंकर मत्स्य अवतार धारण तीर्थराज मोहोदधि अधिक पवित्र मध्य होइछि, सेतिपाई कह जाइछि प्रलय पयोधि जाले द्रुतवान शिवेदम विहिता वाहिता च रीतम खेदम। प्रलय पयोधि जाले द्रुतवान शिवेदम विहिता वाहिता च रीतम खेदम केशव धृत मीना शरीर। जय जगदीश हरे बोली कह जाए बाबर सहित मीन अवतार को महाप्रभु धारण करवा परे परे समुद्र से मध्य पवित्रता बढ़ी जाए बोली कह जाए। जितेबले भगवान स्वयं लीला अवतार धारण करी मत्स्य अवतार धारण कले वेदानुधरते वेद को उद्धार करिवा पाई जगन्नी वहते जगत को संपूर्ण भावरे उत्पत्ति करिवा पाई अद्यावतार रूपम माधवम मत्स्य रूपकम प्रामाण्य प्रणवे भूत्वा सर्वभू दुखानि मुच्यते प्रेता परमस्थानम यत्र देवा हरि स्वयं काले पुनाख्यातम राजा ख्यातोत्तमम। सेतेबले से पुरुषोत्त ये जो क्षेत्र महोदधि समुद्रत संपूर्ण भावरे मध्य तार संपूर्णता पवित्रता प्राप्ति होइछ। पुराण तीर्थराज बा महालक्ष्मीकर पित्रालय मध्य कह जाय था, एथिपाई मध्य ई महोदधि बोली कहा जाइथि महोदधि बोली मध्य कहा जाइछ। इठारे जो वर्णना करा जाइछि तीर्थराजो तत्रे नारायणं नारायणमत परम कोशाख्यष्टेव रच्यते त्रैवीकारकः, एथिपाई मध्य ई क्षेत्र को मध्य तीर्थराज रूपरे महोदधि रूपरे मध्य कहा जाइछि। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र मुक्तिर क्षेत्र इठारे मध्य मुक्ति प्राप्ति होई थाई थाए अन्य क्षेत्र कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र विनिश्यते तीर्थ क्षेत्र कृतम कार्य यदि तीर्थ क्षेत्र रे किए पाप करी थाए ता वज्रलेप रूपरे वज्रपरी मध्य होई जाई थाए। सेथिपाई किंतु अन्य क्षेत्र कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र विनिश्यते तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम सिंधु सा सिंधु तीरे विनिश्यति ए महोदधि तीरे संपूर्ण भाव रे नष्ट हो जाई थाय। सेथिपाई महोदधिर तीर्थ महोदधिर स्नान अन्य क्षेत्र रे पाप कले तहा संपूर्ण भाव रे नष्ट हुए नाही, किंतु एक क्षेत्र रे पाप कले तहा महोदधिर जीवा मात्र के महोदधिरे पहुंची जीवा मात्र के ता नष्ट हो जाए। सेथिपाई महोदधिर स्वतंत्रता
रही तीर्थराज रूप से मध्य परिगणित करा जाए थाए जते बेले आपण माने दर्शन करुछंती महाप्रभुंकर ये अपूर्व लीलार दर्शन सिंहद्वार दर्शन पतित पावनंकर दर्शन पतित पावन बानार दर्शन कौन बा कहिबा से महाप्रभुंकर लीला इभली भावरे लीला चलिथिबो लीला चलिथाए आउ चलिबो आईभली भावरे मध्य निश्चित भावरे महाप्रभुंकर लीला सदा सर्वदा चलिथाए आउ लीलारे जिए लीला को जे दर्शन करंती तंकर स्वतंत्रता भावर सहित महाप्रभुंकर सहित प्रीति मध्य होइथाए प्रीति जिपरि भावरे कहा जाइछि महाप्रभु को जिए जे परि भावरे प्रीति करे सेभली भावर सहित महाप्रभु मध्य तंकर सहित प्रीति करिथांति सिधिपाई महाप्रभुंकर सहित प्रीति करंतु महाप्रभु डाकि आणिबे समस्त प्रकार रो एठारे थिबा सबु किछि जणाई देबे महाप्रभुंकर एठा लीला महाप्रभुंकर पुराण रे मोहददी नारायण तत्व कथा जते बले आज्ञा आसे मोहददी आउ महाप्रभुंकर नारायण तत्व से कथा मध्य जानिबा दरकार ब्रह्म पुराण रे कहा गला मोहददी रे स्नान परे से स्थान रे निर्दिष्ट भाव रे भगवान श्री नारायण को स्मरण करिबे ब्रह्म पुराण रे संपूर्ण भाव रे स्कंद पुराण रे या उल्लेख अछि यहार कारण हेउछि श्री महाविष्णु महोदधी थिला आलय पौराणिक परंपरा रे श्री पुरुषोत्तम को महाविष्णु रूप से ग्रहण करा जाइछि विष्णु सहस्र नाम रे गोटे कथा आसी थाए कण जीवो विनोयिता साखी मुकुंद मिति विक्रम अंभो निधिर अनंतात्मा मोहोदधी सयंतकः ये कथा मध्य आसी थाए विष्णु पुराण मत अनुसार मोहोदधीर कथा मध्य सेठारे संपूर्ण भाव रे वर्णना मध्य करा जाइछि एठारे मध्य सेइ बोली भाव रे ब्रह्म पुराण रे जहा कथित रहिछि ये क्षेत्र रो स्वतंत्रता रहिछि ये क्षेत्र रो अनेक स्वतंत्रता अछि अनेक मर्यादा रहिछि ये क्षेत्र को जिया आसीछि ये क्षेत्र रे वास करिछि ये क्षेत्र रे जिए मध्य महाप्रभुंकर पाखरे पहुंचि जाई थाए से क्षेत्र रे स्वतंत्र भावर सहित महाप्रभुंकर कृपा प्राप्ति होई थाए कहा जाइछि जे क्षेत्र विषय रे कण तस्माद क्षेत्रे महा विष्णु नित्यज्जे क्वापिनं ब्रजे तस्मात् सर्वप्रजत्नेन देहमात्रं परित्यज्यतः ब्रह्म पुराण रे ही महावाक्य मुक्ति चिंता मणि ग्रंथ अनुसारे धार रूप आ जाइछि जे तेणु मुहोद दिए उछि महाविष्णु अर्थात श्री पुरुषोत्तमंकर आलय श्री कथा पंचरात्र दर्शन रे श्री लक्ष्मी तंत्र रे उल्लेख रहिछि प्राधान्यम सलिल कृत्यम तस्मेत पुरुषोत्तमः ये कथा मध्य आसी थाए अनेक तत्व रहिछि महाप्रभुंकर एठारे निरसहित नरर दार्शनिक समन्वय रहिछि कथा कुआ जाइछि तहा विकसित होई श्रीमन्नारायण तत्वरे समाहित होइछि निरा नर ओ नारायण तत्वर दार्शनिक रहस्य जीवंत होई रहिछि श्री जगन्नाथ चेतना रे सेथिपाई महाप्रभुंकर प्रतिनिधि भावरे नारायण उवास तीर्थ उवास दंडरे तीर्थरे स्वर्ग द्वार पर्यंत संलग्न महोदधी जाइथान्ति रास्ताटीर नाम हेउछि उवास दंड बालिसाई एही व्यवस्थाटी मध्य
श्रीमन्नारायण पुराण रे पंचरात्र विधान अनुसारे श्री पुरुषोत्तम को उपासना करीवा। पंचरात्र विधान रे संपूज्य पुरुषोत्तम जो कथा है पंचरात्र विधान रे प्रचलित थिबा उपासना रे प्रपन्न आउ महाप्रभु मध्य प्रसन्न चित्त रे रहिबा तथा सिदाई थाय सेति पाई कहा जाय छी रहिथिबा दार्शनिक दर्श रहस्य रे अलौकिक विधि होउछि उवास अमावास्या थिरे महोदधी को यात्रा जहाँ पुणी श्री जगन्नाथंकर प्रतिनिधि हिसाब रे से रहस्य को बुझीबा को गले प्रथमे नारायण शब्द रहस्य जानिबा को हेबा। मार्कंडेय पुराण वायु पुराण ब्रह्म तत्व पुराण से भली भावरे कहा जाइछि ब्रह्म वैवर्त पुराण श्रीमद् भागवत रे नारायण शब्द वास्तव रे संपूर्ण भाव रे अस्ते। मार्कंडेय पुराण मत रे आपो नारायति प्रक्त्वा मुनीष्यन्ते त्रुद्दिशि अयनम तस्याताम पूर्व तेन नारायण स्मृतः। मुनिस्मृति मनुस्मृति अनुसार देखा गले आप नारायति प्रक्त्वा आपेभ्यो नरसूनवः यहा देखा गले कहा जाइछि नारायण जो वायु पुराण रे नारायणायमतम तस्माते तो नारायणीय स्मृतः आप नारायति प्रक्त्वा जो कथा कहि नर शब्द नर उनकर आश्रय स्थल कहा जाइछि सेभरी भाव आप नारायति प्रक्त्वा आपेभ्यो नरसूनवः ताम यत्र स्यानं पूर्वे तेन नारायण स्मृत मनुस्मृति रे कहगला जलरु नारा जलकु नारा कहती कारण ताहा नर बा परमात्मांकर रूपा संतान सेई नारा बा जल परमात्मांकर प्रथम निवास स्थल एतएव परमात्मांकु नारायण बोली मध्य कुहा जाय। तेणु समुद्र कूल रे नारायणंकर गमनागम ओ समुद्र जल सिंचन करा जाई संपूर्ण भाव रे पंचरात्र आगमन कथा रे जिते बले आज्ञा आसे महाप्रभुंकर सिंह द्वार त आपण देखुचंती सेभली भाव रे पुरुषोत्तम तत्व ही तत्वर समीप नरा शब्द नरा संबोधन नारा नरह सपुरुषोत्तम अखिल अनखिल विज्ञानम ना सत्याखिलम मतः नरीख्यासी नर सर्व तस्मा सर्व सनातन नर सद्ध सर्वे चेतना चेतनात्मक वागला श्री विष्णु सहस्र नाम रे श्री नारायण शब्द रे श्री आदि शंकराचार्य टीका करिछन्ति ताहेला आयतित अयतः श्री नारायण पुराण रे ज्ञान क्रिया धर्म तप दान व्रत समस्त ही नारायणंकर परम बोली घोषणा करिछन्ति। एथिरु स्पष्ट कुहा जाइछि जे विष्णुंकर आयतन जेउ जल से हेउछि एक संबोधित नदी मानंकर प्रति मुहोदधि मध्य कुहा जाइछि तारी नीरा मध्यम रे नारायण को नित्य स्मरण करिबा ताही अनुष्ठित होइथाय अमावस्या तिथिर नारायण विजे बा निजे नारायण मुहोदधिंकर जल को निजे तुंडरे लगाई छांति पद प्रक्षालन करा जाइथाय सरितापति मुहोदधि समस्त प्राणमानंकर प्राण ओ संपूर्ण भाव रे उदधि रूप रे विराजमान कर पुराण रे अनेक कथा आसी थाए मुहोदधि को नहीं से मुहोदधि रे पहुंची गले कौन हुए ना मुहोदधि रे पहुंची गले कौन प्राप्ति हुई थाए ना समस्त प्रकार रा पाप को विखंडन करिबा पाई शक्ति मिली जाई थाए जहाँ उची मुहोदधि अपन माने पत्त पावनंकर दर्शन सहित सिंह द्वार दर्शन करुछंती ए कथा को आग को नबा पाई मोर अनुज राजेश कुमार महापात्र तंकर मुखार बिंदु आसंतु श्रीमंदिर तपस्वी हनुमानंकर विषय।